नहीं मेरे बेटे दा, ओ मेरे बेटे दा कुछ नहीं, ओ मेरे बेटे नो नहीं निकाल रहा कोई भी, ओ मेरे बच्चे दा कोई कुछ नहीं सुन रहा। गत दिनों गोविंद सागर झील में मोटरबोट सहित पलटे खुलवी निवासी चालक प्रदीप के परिजन 3 दिन बीत जाने के बाद भी प्रदीप का शव न ढूंढ पाने से निराश हैं। परिजनों का कहना है कि मोटरबोट का पता चल गया है, लेकिन प्रशासन सहित BBMB के पास पर्याप्त उपकरण न होने से मोटरबोट को खींचा नहीं जा सका। उनका कहना है कि हो सकता है कि प्रदीप का शव भी कहीं मोटरबोट के साथ फंसा हो, लेकिन मोटरबोट पानी से बाहर निकालने के उपकरण ना होने से ऑपरेशन मजाक बना हुआ है। प्रदीप के परिजनों का ये भी कहना है कि गोविंद सागर झील में मोटरबोट करीब 100 फीट पर फंसी हुई है, लेकिन BBMB के गोताखोर 50 फीट से नीचे नहीं जा रहे हैं, तो बुलाई गई NDRF की टीम के गोताखोर की रेंज भी इतनी ही है, तो ऐसे में मोटरबोट और प्रदीप के शव को आखिर कैसे निकाला जा सकता है। उनका कहना था कि इतने लंबे समय के बीच जाने के बाद भी प्रशासन व BBMB के पास उपकरणों की व्यवस्था का पास ना होना अपने आप में निराशाजनक है। परिजनों का कहना था कि मौत के बाद समय शव तक ढूंढ ना पाने से वह पूरी तरह टूट चुके हैं, तो प्रदीप की मां ने इतने दिन से निवाला तक ग्रहण नहीं किया है। उनका साफ कहना था कि आधुनिक उपकरणों से झील में से उनके बेटे का शव बाहर निकाला जाए, ताकि कम से कम वह अपने बेटे के अर्दास संस्कार करवा सके। बच्चा चल गया बोट बीच, और मेरे बच्चे नो कोई नहीं निकाल रहा, और कोई मेरे बच्चे दी सुन नहीं रही सरकार, और मेरे बच्चे दा कोई कुछ नहीं सुन रहा। मेरा पुत्र शुक्रवार नो चल गया, और मेरा बच्चा चल गया, मेरा बच्चा चल गया, मेरी सुन लो, और मेरी अरदास सुन लो, को किसी ने सरकार ने नहीं सुनी मेरे पुत दी अरदास, नहीं सुनी मेरे बच्चे दी। ओ मेरे बच्चे मेरे शेर सिंह नहीं आया, ओ मेरा बच्चा नहीं किसी ने निकालिया, ओ मेरे बच्चे ने गरीबी देख के वोट पा गए, ओ मेरे बच्चे ने वोट भी लै गए, मेरे बच्चे ने भी लै गए, ओ मेरे बच्चे की कोई नहीं सुन रही है सरकार, ओ मेरे बच्चे की सुन लो। तो मेरा लड़का जो है ना मोटर बोट मतलब लिया, उसने 6 लाख रुपया खर्च करके छत वाला था, तो परसों की बात है दो तारीख दिन शुक्रवार को जो है ना तूफान में जो है ना फंस गया उधर, जो है ना आसपास कोई नहीं था, जो है ना चिल्लाता रहा बचाओ बचाओ बचाओ, जो है ना तो किनारे की बात है वैसे। फिर बाद में गया हुआ बोट जो है ना, तो हमें प्रशासन ने परसों से जो है ना परेशान कर रखा है। जो टीम आई है ना उसने भी, कोई कहता कि हम 40 फुट तक जाते हैं, कोई कहता हम 100 फुट तक जाते हैं, कोई 110 फुट तक जाते हैं, परसों से हम परेशान हैं। उस लड़के की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, आप सुन रहे हैं जो है ना, है जी ये बात है सर। तो हमें जो है ना थोड़ा इंसाफ मिले और जो काम होना चाहिए उस स्तर पर, जो है ना संतुष्ट नहीं है। नहीं क्या कमी नज़र आ रही है? कमी ये नज़र आ रही है उनके पास या तो सामान नहीं है, कमी ये है कि जो ड्राइवर नहीं आ रहे, जो मोटर बोट है हमारा ना तकरीबन वो 180 फुट पर कह रहा है, उसमें लड़का भी फंसा हुआ है। तो कहते हैं कि हम 40 फुट तक जाते हैं, ड्राइवर कहते हैं उनके, कोई कहते हैं हम 100 फुट तक जाते हैं, इससे हमारे पास सामान नहीं है जो है ना, ये बात है। मोटर बोट का पता चल गया? मोटर बोट का पता चल गया, निशानी लगा दिया मैंने, ऊपर चुंबक फेंक दिया है, जो छत है उसकी टिन की ना उसमें चिपक गया है, ऊपर वो कैनी कुनी बांध दिया जो है, वो पता है भाई एग्जैक्ट जगह की है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट न होने कारण उसको खींचने में असमर्थ है? असमर्थ है जी, हाँ जी। ड्राइवर नहीं है, जो कुंडा लगा रहे हैं ना वो कुंडा के लिए कुंडा फंसा, तो कहते हैं कि सरका बोर्ड जो ना सरका या ना सरका वहाँ में क्या मालूम है, सपोर्ट तो हम सपोर्ट में तो हम जाते नहीं है जो है ना, हम तो घर में ही है, क्या करना होता धूप में जो है ना। तो हमारे जो है लड़के लड़के जाते हैं जो है, इनको पता था उसके बारे में, हाँ जी ना तो उनके पास चेन कुकी है
ना कुंडा उनके पास है जी, कुंडा भी लोकल बनाया था, वो सीधा हो गया, दे नहीं रहे अभी, स्टोरों में रखे हुए हैं। हाँ जी, नहीं दे रहे, तो उनकी माता का रो रो के बुरा हाल है, परसों से रो रही है, आप सुन रहे हैं, हमारे भी बहुत बुरा हाल है जो है ना, हम खाना नहीं खा सकते जब तक लड़का नहीं निकला। पिछले शुक्रवार से तूफान की चपेट में आकर नदी में बह चुके हैं और उनका बोट भी नहीं मिल रहा। मैं प्रशासन से यही दरख्वास्त करती हूँ, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई ख़ास प्रबंध नहीं किया गया उनको निकालने का। मैं यही प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि मेरे पति को जल्द से जल्द उसके उनके बोट को उनको जल्द से जल्द इस नदी से ढूंढा जाए। मैं प्रशासन से यही निवेदन करूँगी कि अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का बंदोबस्त किया जाए और उनको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाला जाए बोट ताकि हम उसके अंत्येष्टि। अपने भरा की बेटी ब्याह हो गया, असी परसों को दरिया ते आ रहे, तीन दिन हो गया अज दरिया ते आंदे नूं। परसों जदों इत्थे कोई प्रबंध नहीं सीगा, SDM साहब नूं फोन कीता, SDM साहब कहिंदे कोई नहीं असी प्रबंध कर रहे हैं जी, बिलासपुर तो टीम भेज रहे हैं। चलो टीम आई, उन्होंने बस का कुछ नहीं सी, ना उन्होंने कोई ड्राइवर सी, ना कुछ सीगा, BBMB वाले को एक ड्राइवर सीगा जिहड़ा कहिंदा मैं 70-80 फुट जा सकदा, उह तो नीचे नहीं जा सकदा। लेकिन जदों उत्थे लोकेशन देखी गई, वो पा के कुंडा पा के, तो वो दस रहे सीगे जिहड़े कुंडा पाउण वाले सीगे कि कम से कम 180 फुट नीचे जाके। तो फिर SDM साहब ने गल की कि जनाब ये तो गल नहीं बननी, तुसी बाहरों NDRF की टीम मंगा लो कोई ना कोई। वह कहते ठीक है जी, चलो कल उन्होंने ये भी कम किया। करन के बावजूद वो NDRF की जिहड़ी टीम है वह हैगी जिहड़ी हड़ां च आण, वो कहते असी 30 फुट 40 फुट इन्ना क जा सकते, इतने नीचे नहीं जा सकते। सानू तो इतने वो चाहिए सी कि जिहड़ी यानी कि 200 फुट तक ड्राइवर होंदा, वो 200 फुट तक ड्राइवर नहीं है। फिर मैंने पता लग्या भरोसेयोग सूत्रों पर, जहाँ के भी औस्ती है जो हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन हम नंगल डैम के भी औस्ती हैं और वहाँ पर भी कोई किसी को कोई फैसिलिटी नहीं। जहाँ पर का जो भाखड़ा डैम का प्रॉफिट है जो सरकारें तो ऐश उड़ा रही है, ठीक है, इनके मंत्री भी ऐश उड़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और लेकिन आम जनता जो है वो डूब कर भी मर गए, उसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो कहते हैं हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई मरे कोई जिए भाखड़ा डैम में, कोई नहीं है। तो सर हम ये मांग करते हैं, आज DC साहब से भी मैंने बोला कि सर ये तो जे भी मुकर गए अब तो अब क्या बनेगा। वो कहते नहीं हम का मैं ऊपर बात करता हूँ, लेकिन सर हम ना सेटिस्फाई नहीं है इससे। हम सरकार से मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो बाहर से ड्राइवर ले आएँ और जो कि 200 फुट 250 फुट 300 फुट तक जाएं और हमारे बेटे को एक बार निकाल दें, क्योंकि आज 3 दिन हो गए चूल्हा जले हुए जहाँ पर और बच्चे तड़प रहे हैं। इसके लिए इसलिए सरकार से हम आपके जरिए निवेदन करते हैं कि हमारी मदद करें और जो प्रशासन है उसको ताड़ना करें कि इसमें जल्दी से जल्दी जितना भी जल्दी प्रबंध हो वो करें। कुमार मेरा छोटा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई राजेश कुमार हूँ। तो वो बोटिंग करवा के आ रहा था तो अचानक वो डूब गया। तो प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है हमारी मदद करे और जो भी प्रशासन ने अपनी रेस्क्यू टीम भेजी है उनके पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें और हाई टेक्नोलॉजी वाली टीम प्रोवाइड करवाई जाए, मेरा यही प्रशासन से अनुरोध है। अब सर पता क्या, दो तीन दिन हो गए, माँ बाप भी भूखे प्यासे बैठे हैं, रिश्तेदार भी, ठीक है ना जी। बाकी हमारी तो यही हम गुजारिश ही कर सकते हैं प्रशासन से, हमें और हाई टेक्नोलॉजी वाली कोई रेस्क्यू टीम भेजी जाए ताकि हमारा काम हो जाए और उसकी डेड बॉडी या मोटर बोट भी निकाल ली जाए। इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। देखिए हमने जो रेस्क्यू 2 तारीख शाम से शुरू किया हुआ है, जो जैसे हमें पता चला कि 4 बजे के लगभग यहाँ तूफान पड़ा है और गोविंद सागर झील में एक बोट जिसका नाम प्रदीप कुमार सन ऑफ जगदीश राम बताया है, खुलू का लड़का है, तो उसके डूबने की संभावना है। उसके रेस्क्यू के लिए SDM साहब
मैं स्वयं नायब तहसीलदार स्वारघाट मौके पर तुरंत 5 बजे के लगभग 5:30 बजे पहुँचे और BBMB की टीम हमने रेस्क्यू के लिए या सर्च के लिए बुला ली है। उसके उपरांत 3 तारीख को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इनसे भी काम चलने वाला नहीं है, लोकल लड़के भी बहुत काम कर रहे हैं, तो उच्चाधिकारियों को के ध्यान में ये लाया गया कि यहाँ कुछ टीम और किस्म की भी चाहिए जो सर्च आउट अच्छी तरीके से कर सके, तो प्रशासन ने एकदम से उसके ऊपर त्वरित संज्ञान लिया और बठिंडा में NDRF की टीम से संपर्क किया DC साहब ने, और उसके उपरांत बठिंडा वालों ने यहाँ पिंजौर से एक NDRF की 10 आदमियों की टोली भेजी है, वो आज पूरा दिन यहाँ रेस्क्यू सर्च आउट करते रहे। अभी तक कोई विशेष तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ इक्विपमेंट जो हमारे पास होते हैं, इनके पास होते हैं, टेक्निकल आदमी हैं, सभी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी तक ज़्यादा परिणाम तो नहीं, लेकिन सुबह के लिए और इक्विपमेंट लाकर दोबारा सर्च आउट करेंगे। केस हुआ है इसके बारे में मैंने NDRF से खुद बात की और उनको बताया मैंने कि 180 फीट के ऊपर मोटर बोट पड़ा हुआ है और लड़का भी साथ है, तो उन्होंने बोला ठीक है हम टीम भेजेंगे, और वही टीम आकर के यहाँ बोलती है कि हम तो 35-40 फीट तक जाते हैं, तो 180 फीट में कौन जाएगा? सरकार को चाहिए वो उसके लिए, बस हमारा यही हक है हिमाचल प्रदेश में, तो सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लड़के को जो है ना जल्दी से जल्दी निकाला जाए, मोटर बोर्ड को निकाला जाए, ताकि हम उस लड़के का दाह संस्कार कर सकें और टाइम से उसका जो है ना हम क्रियाकर्म कर सकें।